अनुज वहां के घाटों की क्या रौनक देख रहे हैं? बिल्कुल, बनारस की बात कर रहे हैं तो बनारस के हम वरुणा किनारे खड़े हैं और आप साफ तौर से ये भीड़ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ये भीड़ है जो यहाँ पर है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं और छठ के लिए यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि लगातार 4 दिनों तक का ये पर्व जो है, नहाए खाए के बाद खरना और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और आज जो ये इंतजार है वो 36 घंटों का ये व्रती महिलाएं सूरज को अर्घ देने के बाद ये जो व्रत है ये तोड़ देंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से विधि विधान से पूजन अर्चन करती है कि देखिए ये जो दीप है यहाँ पर जो दीप जलाए गए हैं इस दीप को पूरे जब ये डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं तब ये दीप जलाया जाता है और ये लगातार ये दीप जलता रहता है और उगते हुए सूरज को दीप अर्घ देने के बाद ये लोग फिर अपना व्रत तोड़ती हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि ये लोग लगातार बैठी हुई है, सूरज जब तक निकलेंगे उसके बाद ये अर्घ देंगी और अर्घ देने के बाद ये अपने 36 घंटे का व्रत तोड़ेंगे। ये व्रत खास तौर से आप लोग कर रही हैं, किस विधि विधान से करती हैं? हम लोग कल शाम से शुरू किए हैं, कल सुबह से व्रत है हम लोग और जो है तो आज इस समय शाम को भी अर्घ दिया, इस समय भी अर्घ देंगे अब। अच्छा, जैसे तैयारियाँ क्या क्या करती है, क्या क्या चढ़ावा लाती है, किस तरीके से? फल लगता है, सभी फल लगते हैं और खस्ता बनाया जाता है गेहूँ के आटे का और यही सब तैयारियाँ हम लोग करते हैं। आपको लग रहा है कि दूसरी या तीसरी बार आप छठ कर रही है, किस तरीके से आप लोग एक लंबा 36 घंटे का व्रत रखती हैं तो खान पान के लिए क्या करती है जब पहला दिन होता है नहाए खाए के दिन? हम लोग 3 दिन वाले नहीं है, हम लोग एक ही दिन करते हैं, दूसरा दिन अर्घ दे के पारण कर लेते हैं, 3 दिन वाले हम लोग नहीं करते। छठी मैया का सबसे बढ़िया जो प्रसाद होता है वो गन्ना होता है, क्योंकि गन्ना ही छठी मैया का सबसे प्रिय प्रसाद माना जाता है और तमाम प्रसाद यहाँ पर चढ़ावा होता है। लेकिन खास बात ये होता है इस पूजा में कि इसमें किसी भी तरीके के ब्राह्मण या पंडित नहीं होते, ये पूजा कराने के लिए खास तौर से ये खुद विशेष ये महिला ही होती है, व्रती महिलाएं ही होती हैं जो खुद पूजा अर्चन करती है। और अनुज की सूर्य देवता निकले तो उन्हें अर्घ दिया जाए, बने रहिए हमारे साथ। विशाल का रुख करते हैं, विशाल आप किस घाट पे मौजूद हैं, वहां की कैसी रौनक देख रहे हैं? देखिए मैं इस वक्त लखनऊ के गोमती घाट पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि छठी मैया का ये जो पूरा पर्व है, चूँकि नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है और आज इसका समापन होता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है उगते हुए सूर्य को और यहाँ पर आज इसका समापन होता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है वो महिलाएँ रहती हैं अपने पुत्रों के लिए और एक बड़ा कठिन व्रत ये माना जाता है। तो ऐसे में आज अभी आप देखिए थोड़ी देर के बाद जब सूर्य उदय होगा तब यहाँ पर एक अलग छठा जो है वो नज़र आएगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल राजधानी लखनऊ में तमाम जो तैयारियां हैं भव्य तरीके से की गई हैं और पूरा ये जो व्रत होता है ये बेहद खास होता है। प्रभुनाथ राय जी हैं जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है, उनसे बात करते हैं आज चूँकि समापन होगा और ये पूरा जो आयोजन है भोजपुरी समाज की तरफ से ये कैसे पूरा कितना जो है 36 घंटे तक का ये पूरा व्रत होता है, कितना महत्व होता है? महत्व तो इतना है कि एक तो साक्षात भगवान सूर्य हैं और रोज दिखाई देते हैं, उनकी पूजा कर किया जाता है और उनका पूजा करने से आदमी स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है, लंबी उम्र होती है, आदमी को ऊर्जावान होता है, इसलिए इनकी पूजा कर किया जाता है। और यह पूजा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, माने भारत के ये जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार का यहीं तक ये सीमित था, लेकिन 30-35 सालों में मीडिया के माध्यम से जैसे पूरे दुनिया में ये सब जैसे जैसे पता चला वैसे वैसे पूरे ये ग्लोबल छठ पूजा हो चुका है। कम से कम इस साल जो है 85 से 90 देशों में छठ की पूजा भव्य और दिव्य मनाई जा रही है। कल मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी का तो बड़ी कृपा है, वो तो हमसे लगातार संपर्क में इस कार्यक्रम को लेकर रहते हैं, परसों हमको बुलाए भी थे, उन्होंने पूरी इसकी जानकारी लिया, पूरे प्रदेश में उन्होंने आदेश जारी किया, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, सारे अधिकारियों को बुला के निर्देश दिया। और आपको एक और बात बताऊंगा कि 2 महीना से हम लोग इसकी तैयारी, इसकी सफाई, जो गोमती का पानी है इसको साफ करके बिल्कुल यहाँ तमाम तैयारियां की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये विशाल ये है कि अब सरकार प्रशासन पूरी तरीके से ना सिर्फ बिहार बल्कि बाकी जगह भी उसी तरीके के इंतजाम करते हैं। आशीष का रुख करते हैं, आशीष जितना बिहार में ये महापर्व मनाया जाता है उतना ही गोरखपुर में भी इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, वहां की क्या रौनक, क्या कह रही है व्रतिया? जी बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बता दूं कि बिहार से थोड़ी ही दूरी पे गोरखपुर आता है जो पूर्वांचल
पूर्वांचल में बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है और गोरखपुर में है। गोरखपुर में हर गलौनी, हर नदी, हर तालाब पे इस भव्यता देखने को मिल रही है। इसमें हम एक प्राइवेट पार्क में है जहाँ पे भव्यता के साथ देखिए किस तरह से यहाँ पे छठ व्रत का जो है इस त्यौहार को लोग निभाती आ रही हैं। और देखिए जिस तरह से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को अर्घ दे के इस त्यौहार को समाप्त किया जाता है। ये लोक कल्याण का भला हो, औलाद का भला हो और इसके लिए ये माताएं बहनें व्रत रहती हैं और ये बहुत ही टफ व्रत रहता है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से डूबते हुए सूर्य के अर्घ से शुरू होता है और उगते हुए सूर्य से त्यौहार खत्म होता है, क्या कहना चाहेंगे? त्यौहार एक पौराणिक त्यौहार है, आप बोलिए। और डूबते सूर्य को भी अर्घ दी जाती है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दी जाती है। ये आस्था का महान पर्व है, बिहार से उत्तर प्रदेश तक पूरे भारतवर्ष में और विश्व में भी फैला हुआ है, दुनिया में मनाया जा रहा है। आज के डेट में पूरे भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही शुद्ध व्रत है भैया, बहुत ही अच्छा है, एकदम पूरा रमणीय स्थान है। सारा देश इस समय छठ माता का व्रत के ऊपर, सारे लोग घाट पे आए हैं, पूरा घाट देखिए, सारे बच्चे नहा धोकर के एकदम फ्रेश होकर आए हैं। बहुत ही अच्छा, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। बिल्कुल पूरे दुनिया, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ है। बेटा क्या कहना चाहोगे यार, छठ माता का त्योहार तो नहा धो के आ गए हो, क्या कहना चाहोगे? हम लोग नहा के आए हैं बट थोड़ा ठंडा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे क्या कहोगे बेटा? सब बहुत अच्छा लग रहा है छठ का पर्व देख के। चलो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से छठ त्योहार है और बड़े धूमधाम सरसोला पूरे देश विश्व में मनाया जा रहा है? ये दुनिया का बहुत ही पावन पर्व है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है गोरखपुर में। हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के आशीष लौटेंगे आपके पास, देख सकते हैं कि कितनी सुंदर रौनक और छठा देखी जा रही है इस वक्त सभी घाटों में। जो व्रतियां हैं 3 बजे से ही पहुंच गए हैं और इंतजार किया जा रहा है सूर्य देवता का कि जब सूर्य निकलेंगे तो उन्हें अर्घ दिया जाएगा। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, किस घाट पर आप मौजूद हैं, क्या रौनक देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नोएडा स्टेडियम में जो छठ घाट बना हुआ है वहां पर मौजूद हैं और आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से हजारों की संख्या में यहां पर जो छठ माई के भक्त हैं वो पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि आज समापन का दिन है। आज उगते सूर्य को अर्घ दे करके जो भक्त है वो अपने व्रत का समापन करेंगे और आप देख सकते हैं कि घाट पर किस तरीके से हजारों की संख्या में जो छठ माई के भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। दिल्ली NCR में काफी धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है और इसको लेकर के काफी तैयारियां भी की जाती हैं। जगह जगह जो कृत्रिम घाट है वो तैयार किए जाते हैं क्योंकि यमुना में इस बार छठ पर्व मनाने के लेकर के मनाही है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो कृत्रिम घाट है वो तैयार किए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए हजारों की संख्या में आपको जो छठ माई के भक्त हैं वो नजर आएंगे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी भक्तों को इंतजार है कि सूर्य देवता के दर्शन हो ताकि वो अपने व्रत को समाप्त कर सकें उनको अर्घ दे करके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो छठ पर्व है उसकी धूम और उसकी चकाचौंध आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए किस तरीके से जो भक्त हैं वो पानी में खड़े होकर के सूर्य देवता का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिखाई देंगे, कब वो उन्हें अर्घ देंगे और उसके बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार घाट पर आपको भक्तों की भीड़ नजर आएगी। जो भक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस व्रत को लेकर के उनका क्या कहना है, किस तरीके से ये व्रत मनाया जाता है। और देखिए पूरा पूर्वांचल जहाँ भी रहता है, जिस राज्य में रहता है, वहाँ पर ये व्रत आपको दिखेगा। आस्था का पर्व है और आस्था की डुबकी लगाते हुए भी आपको जो छठ माई के भक्त हैं वो नजर आएंगे और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना जो भक्तों के द्वारा है वो की जा रही है। काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस पर्व को लेकर के क्या कुछ खास है, क्या खासियत है, क्यों पूरा पूर्वांचल इस व्रत को धूमधाम से मनाता है, ये हम छठ भक्तों से ही जानेंगे। क्या कहेंगे इस व्रत को लेकर के, कब से ये व्रत आप लोग कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से कर रहे हैं।
इस व्रत में क्या कुछ खास रहता है, कैसे शुरुआत होती है इस व्रत की और कैसे समापन होता है? समापन होता है नियम के अनुसार से होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भक्त हैं वो लगातार आपको पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे होंगे और भारी संख्या में जो भक्तों की भीड़ है वो भी साफ देखने को मिल रही है घाट पर। और लगातार घाटों की रौनक